अगर उसमें हिम्मत है तो वो जादू चेहरा को आगे करे, तब ना समझेंगे कि वो भी अब सभी जाति को चाहते हैं। वो तो जिस जाति को चाहते हैं वो सब दुनिया जानती है। दांत दिखाने का अलग है, खाने का उनका अलग है। जनता तय कर चुकी है कि इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाना। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लगातार आरजेडी में बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है। नई जो इकाई है वो भी बन चुकी है, जितने जिलाध्यक्ष थे आरजेडी के नए वो मनोनीत किए गए हैं। तेजस्वी यादव लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इस मीटिंग से फायदा क्या होने वाला है? मीटिंग से क्या फायदा होगा? बिहार की जनता तय कर चुकी है कि आने वाले चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, और जनता आगे आगे चल रही है और राजनीतिक पार्टियां पीछे चल रही है। इसलिए जो हमारा काम है वो हमारा दल कर रहा है। जगताप बाबू के नेतृत्व में ये सब जिलाध्यक्षों की गठन हुई है और भी पदाधिकारियों का घोषणा होने वाला है। ऊपर से मॉनिटरिंग कर, निश्चित रूप से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिना उनके निर्देश का पत्ता नहीं डोलता कहीं भी, इसलिए उनका निर्देश तो आवश्यक ही है और समय समय पर निर्देशित करते रहते हैं। जो आप बैठक कर रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं होने वाला? अरे भाई, फायदा ही फायदा है। और कहा ना कि जनता तय कर चुकी है कि इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाना है। अध्यक्ष तो आपने बना दिया, लेकिन अब जो सत्ताधारी दल है वो कह रहे हैं कि कहा सभी जाति को उन्होंने। सवाल है कि बीजेपी में पहले अपने घर में झांकने का काम करें। यादवों को क्या तरजीह मिला है बीजेपी में? कौन सा तरजीह दिया है इन लोगों ने? और हमारे शासन में तो सभी जातियों के लोगों को, सभी उच्च जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व था और अच्छे संख्या में प्रतिनिधित्व हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के मंत्रिमंडल में, आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में ब्राह्मण, भूमिहार, कैश सारे लोग मंत्री थे। बीजेपी नहीं दे रही है सर? आने वाले दिनों में भी हम लोग सबको मिला जुला कर चलने का काम करेंगे और बीजेपी हमारे यादव समाज के लोगों को तिरस्कार करती है। ठीक है, जहाँ सीट है वहाँ एमपी बन जाते हैं, लोग हैं, लेकिन मंत्री नहीं बनाता है। नहीं, अगर उसमें हिम्मत है तो वो जादू चेहरा को आगे करे, जादू चेहरा को आगे करे, तब ना समझेंगे कि वो भी अब सभी जाति को चाहते हैं। वो तो जिस जाति को चाहते हैं वो सब दुनिया जानती है। इसलिए दांत दिखाने का अलग है, खाने का उनका अलग है। तो क्या हम पोस्टरबाजी हो रहा है, आप जाति की बात कर रहे हैं, तो क्या इन पोस्टर वार से उनको कुछ फायदा मिलने वाला है तेजस्वी यादव को? अरे भाई, पोस्टल वार से कोई फायदा किसी को कोई मिलने वाला नहीं है। तो लगा रही है? अरे नहीं नहीं, जनता तय कर चुकी है। हम तो जवाब उसका दे रहे हैं, हम तो नहीं किया शुरुआत, हम उसका जवाब दिया करते हैं। और जवाब जब भी उनका कुछ वार होगा, मैं इससे पोस्टल से वार कर रहा हूं। देखिए, पोस्टर से जब जब सवाल पूछे जाएंगे तब तब जवाब पोस्टर से ही दिए जाएंगे। और आने वाले समय में राजनेता क्या तय करेंगे, जनता ही तय कर चुकी है कि किसे सीएम बनाना है। किसे सीएम बनाना है ये तो खैर नवंबर तक ही फैसला पाएगा। लाइव सिटीज देखते रहें, थोड़ा अभी इंतजार करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद। अगर उसमें हिम्मत है तो वो जादू चेहरा को आगे करे, तब ना समझेंगे कि वो भी अब सभी जाति को चाहते हैं। वो तो जिस जाति को चाहते हैं वो सब दुनिया जानती है। दांत दिखाने का अलग है, खाने का उनका अलग है। जनता तय कर चुकी है कि इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाना है।